दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लेकिन इस बारिश का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि इस वक्त इस बारिश की वजह से सड़कों पर पानी इकट्ठा हो चुका है। मैं नोएडा सेक्टर 58 में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, जो सड़क सामने से आ रही है ये गाजियाबाद की तरफ आती है और गाजियाबाद से लोग नोएडा में इस वक्त दाखिल हो रहे हैं, और वहीं पर ठीक इस वक्त अगर आप देखें तो हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। जो लोग रोजमर्रा का काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, वो परेशानी से दो चार हो रहे हैं। और हर बार क्या इसी तरह की परेशानी होती है, कुछ लोग हैं हर बार इसी तरह की समस्या यहाँ पे होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह क्या आपको लग रही है, क्यों इस तरह का पानी इकट्ठा हो रहा है? इसलिए हो रहा है, तुम्हें पता गंदका ही है, नालों के अंदर गंदका है ही, इसलिए पानी ऊपर आ रहा है। नाले साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, पानी नहीं आएगा। नाली की सफाई यहाँ पर होती है क्या? नाली की जी, नालियों की सफाई भैया करते हैं, ठीक है, गलती किराएदारों की है, सफाई वाली गलती नहीं है। पन्नी अगर डस्टबिन में डाल दोगे तो कोई गलती नहीं है, जब किराएदार गलती करेंगे तो फिर क्या करोगे आप? एक दूसरे की गलती है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर एक शख्स है जो यहाँ पर पानी से निकल के आ रहे हैं। हर बार ऐसा ही होता है यहाँ पर बारिश का पानी? बारिश का पानी में हर बार ऐसे ही होता है, इससे बुरा हाल होता है। अभी थोड़ी हुई है, अगर इससे ज्यादा थोड़ी और हो गई ना तो और बुरा हाल हो जाएगा। कितना पानी है ये, कितने फीट होगा पानी? इसमें कम से कम 1.5 फीट पानी है। 1.5 फीट के आसपास यहाँ पर पानी इकट्ठा है, और पानी की तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये एक तरीके से लग रहा है कोई लहर है, समंदर में इस तरह की लहरें अक्सर हम देखा करते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर नोएडा की सड़कों पर ये हालात दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश तिवारी, ABP News, नोएडा।